हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम आपको एक पारंपरिक डिश गन्ने के रस की खीर बताने जा रहे हैं, जैसे कि गांव में बनती है। ये गन्ने का रस है। 1 लीटर गन्ने के रस को हमने छानने के बाद, क्योंकि अगर आप बाहर से कोई भी चीज लाते हैं उसको छाने, छानने के बाद हमने इसमें उबलने के लिए चढ़ा दिया है। और जैसे जैसे उबाल आएगा ना, इसमें जो ये ऊपर वाइट वाइट आपको दिख रहा है, इसको हम साइड से ऐसे निकालते जाएंगे। देखिए, इस तरह से ये सारा, इस तरह से ना आप चम्मच से इसको साइड में करते जाएंगे। तो जो इम्प्योरिटीज है वो एक तो छानने से निकल जाती हैं, लेकिन इसको ये जो मैला मैला ऊपर आ जाता है ना, इसको भी हमें एक प्लेट में अलग से निकालना पड़ता है, ताकि जो गन्ने का जूस है ना वो क्लियर हो जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा धीरे धीरे जैसे निकालेंगे हम। थोड़ा 1-2 चम्मच दूध डाल के भी हम इसको साफ कर सकते हैं। तो इस टाइप से ना इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमने रखे हैं ये भीगे हुए चावल, जो एक छोटा बाउल मैंने लिया है। तो इनको भिगो के रखना है आधा घंटा पहले, और थोड़ा मोटा चावल होता है ये, जो खीर में अच्छा स्टार्च दे। अब मैं आपको दिखाऊं, मीडियम फ्लेम पर देखिए ये ऐसे होता जा रहा है, उबलता जा रहा है, और ये साइड में आती जा रही है, और इसमें बिल्कुल भी रस नहीं है, बस ये ऊपर से है। और इसको हम ऐसे निकालते जाएंगे, ठीक है। ये मैं गांव में ही बना रही हूँ, इसलिए लाइट बहुत कम है, बट मैंने सोचा ट्रेडिशनल चीज़ खिलाते हैं, बताते हैं। अगर किसी ने बचपन में खाई है तो ज़रूर लिखिए, और ऐसे बन सकती है, क्योंकि बहुत लोगों ने नहीं भी खाई होगी और बहुत लोगों ने अपने दादी नानी के हाथ की खाई होगी। तो देखिए, इस तरह से इसको निकालते जाएंगे, और आपको ना फ्रेश जूस से ही बनानी है, रखा हुआ नहीं होना चाहिए। देखिए, जब ऐसे उबलना शुरू हो जाता है ना, तो आप हल्का सा 1 टेबल स्पून के करीब दूध डाल के भी इसको क्लीन कर सकते हैं, और फिर ये जो साथ में मैलापन आता है ना, इसको बस उतारते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा दूध भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो बिना दूध के भी आपके जो ये निकलती है इसकी मैली ऊपर जो जम जाता है उसको निकालना है। जैसे जैसे उबलता जाएगा वैसे वैसे निकालना है हमको, और दूध डालने से थोड़ा सा इसका कलर हल्का लाइट हो जाता है। देखिए, अब काफी कुछ ये क्लियर हो गया है, और इसमें से ना हमने ये निकाला है कितना सारा। देखिए, अब हम डालेंगे इसमें ये चावल भीगे हुए, और चावल डालने के बाद ना हम इनको ऐसे हिलाते रहेंगे, ठीक है। और जब तक चावल पकेंगे, मतलब हमें आधा घंटा लगेगा, ठीक है ना, चावल पकने में, और स्टार्च छोड़ेगा चावल, जैसे दूध की खीर होती है ऐसे हो जाएगी। हमने 2 ही इंग्रेडिएंट से बना रहे हैं, और चावल के बाद भी अगर थोड़ा बहुत साइड में आता है ना, तो आप इसको निकाल सकते हैं। अब ये देखिए, 20-25 मिनट हो गई है पकते हुए, और ये कुछ इस तरह से होनी शुरू हो गई है ना। तो जितनी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, जितनी थिक रखनी है, उतनी आप इसको रख सकते हैं। हम थोड़ी देर और पकाएंगे। अब ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाऊं, ये देखिए इस तरह से ये ना मिक्स होना शुरू हो गया। तो ये जो मोटे चावल है ना, वो स्टार्च छोड़ देते हैं। हमें थोड़ा सा लास्ट में ना ऐसे चावल से थोड़ा सा इसको घोटना है ऐसे। ये इसमें धुआं आ रहा है इसलिए दिख नहीं रहा है। अब देखिए, आप दूर से कलर कितना अच्छा ट्रांसपेरेंट आया है। ये देखिए, ये थोड़ी सी जो खीर है वो गाढ़ी हो गई है, और ठंडा होने के बाद ना और अच्छी हो जाएगी। तो अब देखिए, कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि इसमें चीनी नहीं डलती है। बच्चे पूछ रहे हैं इसमें चीनी कब डालेंगे। तो शुगर केन है भाई, गन्ना है, अपने आप में मीठा होता है, बहुत ही मीठा होता है। तो जो मीठा बिल्कुल नहीं खाते हैं उनको तो ये भी बहुत मीठा लगेगा। तो हमने केवल चावल लिए हैं, केवल गन्ने का रस लिया है, और कुछ लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, बट गांव की जो रेसिपी है ना वो उसमें नहीं डालते हैं। गोला या पीनट्स भी डालते हैं, बट ये लोग नहीं डालते। ये दूध, कच्चे दूध या दही से ही ये खीर ठंडी करके खाते हैं। तो ये अपना अपना टेस्ट है। मैंने सोचा आपको ये एक पारंपरिक डिश बनाकर बताऊं। तो ये बहुत ही यम्मी है, ठंडा होने के बाद हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। और जो भी इंग्रेडिएंट्स है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। मैंने 1.5 लीटर ले लिया था फिर रस, और आप सोचिए आधा कप चावल थे जो भीगे हुए थे, है ना, यानी छोटा से छोटा बाउल, तब भी आप इतना ये थिक हो गई है। तो आप अपने हिसाब से देखें, जैसे चावल की खीर बनाते हैं ना, उस तरह से मेजरमेंट करके कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी ये यमी सी
खीर कितनी अच्छे से देखिए ठंडे होके मिक्स हो गई है, तो ठंडे होके गाढ़ी हो जाती है और ये बन गई है देखिए। और मैंने इसको ना ये कागज की बनी हुई टोकरियां हैं यहीं की, जो कागज को काफी देर गला देते हैं और हाथ से बनाते हैं, फिर कभी अगर मौका लगा तो ये वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगी। मैंने इसको इसमें सजाया है और नीचे गन्ने रखे हैं। तो देखिए आप जब भी बनाएं इसको ट्रेडिशनल डिश को जरूर बनाएं। हालांकि विंटर स्पेशल है लेकिन अभी भी सुबह शाम की थोड़ी सी ठंड है और यहाँ अवेलेबल थी तो मैंने ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें।